न्यूज वीके में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सोनी। अब तक आपने पुलिस को डराने वाला चेहरा देखा होगा, जिसे देखते ही लोग में डर का माहौल बन जाता है। लेकिन आज एक पुलिस वाले ने जो किया, उसे सुनकर और देखकर आपके दिल में पुलिस वाले का सम्मान बढ़ जाएगा। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सिगलन गाँव का है, जहाँ एक महिला बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी हुई थी। महिला की हालत काफी गंभीर थी। राहगीरों ने महिला के पड़े होने की सूचना जब पुलिस को दी, तो सूचना मिलते ही चेतक में तैनात कांस्टेबल सत्यपाल सिंह मौके पर पहुंचे और महिला की हालत देखकर बिना 108 एम्बुलेंस का इंतजार किए स्वयं ही वाहन की व्यवस्था कर महिला को जिला अस्पताल ले आए। अस्पताल में महिला का उपचार किया जा रहा है। अब पुलिस महिला के स्वस्थ होने का इंतजार कर रही है, जिससे वो बता सके कि वो कौन है और इस हालत में यहाँ तक कैसे पहुंची। फिलहाल कांस्टेबल सत्यपाल सिंह के इस सराहनीय काम की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने भी इस नेक कार्य के लिए 5,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। क्रॉसिंग के पास जो हमारी चेतक रूटीन गश्त करती है, उसके दौरान कांस्टेबल सत्यपाल सिंह और उनके साथी को पता चला कि एक महिला काफी बीमार और बहुत ही उसकी हालत खराब थी। उसको उन्होंने वहाँ देखा, वो बात भी नहीं कर पा रही थी। तुरंत उन्होंने उसको अस्पताल लाने की व्यवस्था की और उसको वहाँ एडमिट कराया, जिससे डॉक्टरों का कहना था कि इसको अगर इस अवस्था में बहुत देर अगर वहाँ रहती तो इसकी जान के लिए निश्चित धोखा था। तो एक जान बचाने का काम हमारे कांस्टेबल सत्यपाल सिंह चेतक पर गाड़ी पर जो है उन्होंने किया है। इसके लिए ये सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है मेरे द्वारा, ताकि दूसरे अन्य कांस्टेबल्स और हमारे कर्मचारियों को एक नसीहत मिले कि ड्यूटी रूटीन ड्यूटी के अलावा भी जनता की जो भी समस्या अगर देखते हैं उसमें तत्काल उनको मदद करने का कार्य करें। न्यूज़ बीके के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।